से घुस भाई, तू कहाँ से जा रहा है? तू डिक्की से घुस। अबे भाई चल चल चल, डल गया। भाई 25% एनर्जी तो खाली गाड़ी बैठने में निकल गई, और जो तू बाकी का ऑक्सीजन ले रहा है हमारे हिस्से का। यार मैं ब्रो ये सब नहीं करता, सॉरी। अच्छा ना ब्रो, असली इंसान कैसा है मुझे पता होता नहीं, ऐसा मैं इसके फेवरेट ट्रिप के लिए भी नहीं आता। ये तो चिप्स को तोड़ तोड़ के इतना से जो कर रहा है ब्रो, टेस्ट। ओए, मैं कह रहा हूँ ऐसा ब्रेकफास्ट और ऐसा नज़ारा अगर रोज मिल जाए, जो नहीं मिलेगा बट इंजॉय कर लेते हैं। तो भैया आज हमारा आखिरी दिन मसूरी में, अभी अभी हम उठे हैं, इंजॉय तो सबने किया कल रात तक। हम लोग 6 बजे सोए वैसे, है ना? 6 बजे या कुछ सोए थे। ये बेचारा गिर गया रात को सीढ़ियों से, अब इतनी बड़ी चीज गिरी है। इस बंदे को इतनी बड़ी सीढ़ियां नहीं दिखी, सीधा पार हो गया। क्या बोलना चाहोगे? और बात दुखता है, बहुत दुखता है। चलो भाई अब ये खा लेते हैं, फिर जाएंगे मॉल रोड, क्योंकि कल चिक चॉकलेट में मटन बर्गर नहीं मिला था, चिकन बर्गर मिला था, अब आज मटन बर्गर खाएंगे। लास्ट डे इन मसूरी, हमेशा की तरह मैं तो सबसे पहले रेडी नहीं हुआ इस बारी, मतलब तर मैं टाइम से रेडी हो गया था। तरुण भैया अलग ही 2 घंटे पहले रेडी होके बैठे हुए थे, फिर गगन भी रेडी हो गया, और ये मिस्टर भारद्वाज वैसे तो मुझे पता था ये बहुत इरिटेटिंग है, बट कहते हैं ट्रिप पे पता चलता है कि असली इंसान कैसा है। मुझे पता होता नहीं ऐसा है, मैं इसके फेवरेट ट्रिप के लिए भी नहीं आता। ओह माय गॉड, यू नो ब्रो, व्हाट यू नो, कैसा हूं मैं? ऐसा ही हूं जैसा हूं तुम्हारा हूं। हम सब रेडी हो चुके हैं, देखो ये भी रेडी हो चुका है, टाइम पे फिर भी नहीं हुआ बट फिर भी हो गए रेडी। हाँ, और दाऊद पता नहीं क्या कर रहा है 1 घंटे से वॉशरूम में। ये देखो गाइस, नीचे है देहरादून। हाँ जी बताओ, पैराशूट से चले जो बैग में मेरे। हाँ का है, निकाल बैग का है। दाऊद बेटा, तो वाइट पहना है ना, ये रेड होने में देर नहीं लगेगी। पता लगे नीचे आते ही टांग। आज पजामों में कैसे है तू? यार मैंने कल नोटिस करा, क्या यहाँ पे सब पजामे में घूम रहे थे। हाँ तो मैं पजामा लाया, मैंने पहना भी नहीं, मैं आज पहनता हूँ, रात को तैयार होऊंगा ना पार्टी के लिए। कहाँ जाएगा मसूरी में पार्टी करने? वहाँ जाना है ना, कमल कॉटेज। B12 कल की नाइट कैसी थी था बता? अमेजिंग, क्या गाना था, सोफे नाइट, प्यार भरा माहौल, प्यारे दोस्तों। ये तो चिप्स को तोड़ तोड़ के इतना से जो कर रहा है ब्रो, टेस्ट। इसका मसाला लगा ना, इसका अलग। सुन लो इसकी बातें, इसकी बातें सुन लो, तुम बातें सुन रहे हो ना इसकी। अरे तू पीछे नहीं जा पाएगा, जा जा चल जा जल्दी जा, तेरी पनिशमेंट है पीछे। डिक्की से घुस भाई, तू कहाँ से जा रहा है? तू डिक्की से घुस। अबे भाई चल चल चल, डल गया। निकलूंगा कैसे ये नहीं पता। अब इसके साथ कौन फंसेगा पीछे? तू तू बैठी तो कौन बैठ? भाई 25% एनर्जी तो खाली गाड़ी बैठने में निकल गई, और जो तू बाकी का ऑक्सीजन ले रहा है हमारे हिस्से का उससे तेरी एनर्जी निकलेगी। मैं तो भाई जिंदा हूँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पे। भाई तू डिक्की खोल के चला भाई, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एक काम करना यार, ऊपर सच में कैरियर लगवा और ऊपर मेरे को बांध दे, क्या हूँ ना, उससे अच्छा तो कैरियर का ही खर्चा सीट वीट निकला। हाँ भाई नमूने, हाँ और पीछे का आजा, तेरे में बहुत अक्कल है। मैं तो स्लिम हूँ, स्लिम है भाई, दिमाग से स्लिम है भाई। दाऊद
बोल भाई यार तू यार तू भी भाई की ऑलवेज ऑलवेज ब्रो ऑलवेज नेगेटिव महेश भट्ट महेश भट्ट महेश भट्ट कहां से आ गया भाई मनीषा रानी चक्कर आ गया गगन ये खोल दे क्लाउड गाड़ी खोल दे पूरी तीन दिन में 300 सुट्टे भी है इसने चक्कर तो आएंगे यार मैं ब्रो ये सब नहीं करता सॉरी अच्छा ना ब्रो पता कब से धुआ भाई को एस्टम आए वो तेरी बात इतनी फनी नहीं थी तेरी हंसी फनी है पता है तेरे को अंकल बहुत फनी है अंकल मेरे फ्रेंड है अंकल फ्रेंड अंकल जानते भी नहीं तेरे को अंकल जानते अभी आते हुए मिलवाऊंगा मैं उनका नाम वो है रानी अंकल का नाम है रानी मतलब वैसे तो राजू है घर में रानी बुलाते हैं क्या लॉजिक हुआ इसका अब इस तरह में रंडा लगाते हैं वो अपने घर की रानी है सब उन्हें रानी की तरह ट्रीट करते हैं अंकल को ब्रो तेरे घर का नाम क्या है मेरे घर का नाम वो परेशान कर रहे चले अपन माल रोड भाई तू सही कह रहे थे भैया तू कनाडा जाने लायक है नहीं वैसे भाई मॉल रोड साले युगांडा के गांडा कमल कॉटेज भाई सेव